Now next string method which will perform search operations called as startWith. In this case we just discuss karenge working of startWith method. This startWith method just provide kya karega string search operations. Suppose that agar aapke paas koi bhi string ya line available hai, is line ya string ke andar aapko find out kya karna hai koi particular keys ya particular patterns. Means agar ye particular string given string ke through agar start hota then is method se return kiya hoga true otherwise false. One more thing, इस केस में टोटल टू ओवरलोडेड वर्जन है. फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में मेथड का टाइप क्या है? टू आर्गुमेंट. फर्स्ट आर्गुमेंट टाइप है स्ट्रिंग, सेकंड आर्गुमेंट टाइप इज इंटीजर. इस फर्स्ट आर्गुमेंट सप्लाई हुआ है सर्चिंग स्ट्रिंग और मैचिंग स्ट्रिंग. सेकंड आर्गुमेंट सप्लाई करोगे इंडेक्स. मींस इंडेक्स मींस पर्टिकुलर फर्स्ट मेथड गिवन स्ट्रिंग को किस प्लेस से सर्च करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम गिवन इंडेक्स ऑनवर्ड्स. प्लस अगर ये पर्टिकुलर इंडेक्स गिवन स्ट्रिंग या सर्चिंग स्ट्रिंग से स्टार्ट होता है only from given index, not a middle characters. अगर ये particular index से start हुआ then इस method से written होगा true, otherwise false. Same as second method. Second method का type क्या? Only zero, sorry one argument method, only string argument. Second method के case में हम इसे directly given string searching किस place से होगा? From zero index onwards. अगर zero index से zero index onwards अगर given searching pattern match होता then इस method से written होगा true, otherwise false. मींस इस मेथड को क्लियर करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल पढ़ी है. इस एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. इस पर्टिकुलर केस मैंने एग्जांपल यूज किया है ओरेकल कॉर्पोरेशन. मींस एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स क्या फाउंड हो रहे हैं? ओरेकल कॉर्पोरेशन. सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं जस्ट डायग्राम क्रिएट कर रहा हूं. टोटल इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. जैसे सबसे पहले डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें इसके लिए, देन आपके लिए इजीली समझना पॉसिबल है. प्लस डायग्राम्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे इंडेक्स वैल्यूज. स्ट्रिंग के केस में कोई भी ऑपरेशन जीरो इंडेक्स ऑनवर्ड्स या जीरो इंडेक्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म होगा. मींस विद रिस्पेक्ट टू जीरो इंडेक्स, मींस फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स काउंट होगा फ्रॉम जीरो. सप्लाई क्या किया? ओरेकल कॉर्पोरेशन. ओरेकल कॉर्पोरेशन गिवन. फर्स्ट केस में इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17. देन फर्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट. फर्स्ट केस मैंने सिंपली कॉल किया वन आर्गुमेंट स्टार्ट्स विद मेथड. इसे ए पर्टिकुलर अगर गिवन स्ट्रिंग एस, इसे सर्च किसके लिए करोगे? करंट स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में. करंट स्ट्रिंग कौन है इस केस में? एस. और एस करंटली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ओरेकल कॉर्पोरेशन. अगर गिवन स्ट्रिंग ओ आर से स्टार्ट होता है, मीन्स अगर दो मीन्स बिगिनिंग टू कैरेक्टर एग्जैक्टली ओ आर से मैच होते हैं देन क्या आएगा? ट्रू. मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर मैच करेंगे जीरो इंडेक्स से. जीरो इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है? ओ. इस परफेक्टली मैच हो रहा है. सेम है सेकेंड कैरेक्टर वन इंडेक्स है, नेक्स्ट इंडेक्स से मैच करोगे परफेक्टली मैच हो रहा है. फाइनली इस केस में दोनों ही कैरेक्टर एग्जैक्टली बिगिनिंग कैरेक्टर से मैच हो रहा है. इस मेथड से रिटर्न किया होगा ट्रू. मीन्स करंट मेथड रिटर्न किया करेगा फाइनली रिजल्ट एज ट्रू. देन फर्स्ट केस में आउटपुट प्रिंट हो जाएगा रिजल्ट एज ट्रू. नाउ सेकेंड केस. सेकेंड केस में अगेन मैंने सेम स्ट्रिंग को फिर से सर्च किया है विद RAC. इस RAC की केस बात करें, RAC इस केस में एज अ सब स्ट्रिंग तो फाउंड हो रहा है, लेकिन स्ट्रिंग और ओरेकल कॉर्पोरेशन RAC से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं. मीन्स RAC के केस में जीरो इंडेक्स पर क्या है? R. तो जीरो इंडेक्स वाला कैरेक्टर मैच भी किससे होगा? ऑल्सो जीरो इंडेक्स. जीरो इंडेक्स में R मैच किससे होगा? O से. मैच हो रहा है क्या? नहीं. देन मीन्स इस केस में सर्चिंग फॉल्स हो रहा है, देन इमीडिएटली इस मेथड से रिटर्न किया होगा फॉल्स. गिवन मेथड विल रिटर्न फॉल्स. इसलिए सेकेंड केस में मैसेज और आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा रिजल्ट एज फॉल्स. नेक्स्ट थर्ड केस. थर्ड केस में मैंने यूज किया टू आर्गुमेंट मेथड्स. टू आर्गुमेंट के केस में अगेन देखा जाए तो इसका वर्किंग एग्जैक्टली कैसा? सेम एज प्रीवियस वन. क्योंकि इस केस में भी ओ आर किस इंडेक्स से मैच करना स्टार्ट कर रहा है? फ्रॉम अ जीरो इंडेक्स ऑनवर्ड्स. मीन सबसे पहले ओ मैच किससे होगा? जीरो इंडेक्स. आर किससे मैच करा हुआ है? वन इंडेक्स वाले कैरेक्टर से. तो जीरो इंडेक्स में ओ मैच हो रहा है, प्लस वन इंडेक्स में आर भी मैच हो रहा है. देन अगेन ये मेथड रिटर्न क्या करेगा? ट्रू. इसलिए थर्ड केस में भी आउटपुट डिस्प्ले होगा रिजल्ट एज ट्रू. नेक्स्ट वन फोर्थ केस. फोर्थ केस में ओ आर ओ किस इंडेक्स पे फाउंड हो रहा है? जीरो.
जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर किस इंडेक्स से मैच होगा, एट्थ इंडेक्स। मीन्स जीरो इंडेक्स पर क्या फाउंड हो रहा है, ओ, देन मैच कैसे करना है, टारगेट स्ट्रिंग के किस, मीन्स प्रीवियस केस में जीरो इंडेक्स ऑनवर्ड्स मैच करना स्टार्ट हुआ, लेकिन इस केस में किस इंडेक्स से मैच करा, फ्रॉम एट्थ इंडेक्स। और करंटली एट्थ इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है, ऑल्सो, मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर सक्सेसफुली मैच हो रहा है, देन वो मैच होने के बाद देन मैच क्या करेंगे, आर, आर कैसे मैच कराओ, नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स मीन्स एट के बाद नेक्स्ट इंडेक्स क्या रहेगा, नाइन, तो आर किस इंडेक्स से मैच होगा, नाइन्थ इंडेक्स, नाइन्थ इंडेक्स में आर फाउंड हो रहा है, इसलिए मीन्स दोनों ही कैरेक्टर मैच हो रहा है, इसलिए रिटर्न क्या हुआ, अगेन ट्रू। क्लियर, नेक्स्ट टाइम ओ आर किस इंडेक्स से मैच करना स्टार्ट करा, फ्रॉम वन इंडेक्स, वन इंडेक्स में ओ फाउंड हो रहा है क्या, मीन्स ओ किस इंडेक्स में मैच करोगे, सबसे पहले वन इंडेक्स, वन इंडेक्स में फाउंड क्या हो रहा है, आर, ना कि ओ, देन इस केस में क्या आएगा, फॉल्स। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ गिवन प्रोग्राम्स। इसे पर्टिकुलर मेथड्स भी आपके लिए कई मीन्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे इन केस ऑफ ड्यूरिंग डेटाबेस ऑपरेशंस।